स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह लोधी एमडी का चिकित्सा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय। तो पीजी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या पूछा जाता है आइए देखते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय और इसके प्रथम सूत्र जो है वो है अथतो वेदोत्पत्ति अध्याय व्याख्यास्म। तो चरक संहिता के समान इसमें भी पहला शब्द जो है वो अथ है जो कि क्या जिसका अर्थ क्या होता है मंगल सूचक होता है। मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी ये सलाह है आप सभी से कि पहले चरक जरूर पढ़ लें ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। तो आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बनता है आयु और वेद। तो वेद वेदोत्पत्ति से ही इस चैप्टर का आरंभ हुआ है। वेद शब्द का अर्थ यहाँ पर आयुर्वेद लिया गया है। ये जो सूत्र है पहला इसमें आठ मांगलिक पद होते हैं अथ अतः वेद उत्पत्ति अध्याय वी आंग ख्यास। तो ये जामनगर का 2011 का क्वेश्चन है कि चरक संहिता के पहले सूत्र में कितने मांगलिक पद होते हैं। तो चरक संहिता का पहला सूत्र है अथतो दीर्घ जीविति अध्याय व्याख्यास्म। तो जैसे वेद धन उत्पत्ति वैसी दीर्घ जीविति दो शब्द हैं तो दोनों ही संहिताएं चरक संहिता सुश्रुत संहिता। इसके अलावा अष्टांग हृदय जिसका पहला श्लोक है अथतो आयुष्कामी अध्याय व्याख्यास्म। ये तीनों ही जो वृत्ति की संहिता हैं इन तीनों के ही प्रथम चैप्टर के प्रथम सूत्र में आठ मांगलिक पद होते हैं। आठ शुभ सूचक है आयुर्वेद के भी आठ ही अंग होते हैं। यही बताने वाला है यह सूत्र कि आठ मांगलिक पद हैं और जो आयुर्वेद है उसमें भी कितने अंगों में विभाजन हुआ है आठ अंगों में हुआ है। सुश्रुत मानते हैं कि आयुर्वेद अथर्वेद का उपांग है। चरक भी ये मानते हैं सुश्रुत भी मानते हैं। आप पढ़ते हैं अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन जो सुश्रुत में किया गया है। आठ अंग होते हैं पहला है शल्य फिर है शालक्य और फिर है तीसरा है काय चिकित्सा। तो चरक संहिता में जब हम आठ अंग पढ़ते हैं तो वहां पर काय चिकित्सा पहले नंबर पर आता है उसके बाद में आता है शल्य शालक्य। तो ये पहले तीन का क्रम भिन्न है। चरक में पहले काय चिकित्सा आती है फिर आता है शालक्य और फिर आता है शल्य। ठीक सुश्रुत सर्जन है इसलिए उनने शल्य को पहले लिया है पहले शल्य शालक्य फिर काय चिकित्सा। चौथे नंबर पे आता है भूत विद्या। आमतौर पे महाभूत पांच होते हैं चरक संहिता में ये जो भूत विद्या है वो पांचवें नंबर पे है सुश्रुत में चौथे नंबर पे है। इसके अलावा कुमारवृत्त जो है वो पांचवें नंबर पे है और अगत तंत्र है छठवें नंबर पे जबकि चरक संहिता में अगत तंत्र जो है वो पहले आ जाता है यहाँ चौथे नंबर पे गर्भ विरोधिक पुष्पनम के नाम से। तो ये तीसरे नंबर पे जो भी है उसका चरक में वह आगे आ जाता है यानी काय चिकित्सा यहाँ आगे आ जाती है और यहाँ पर जो छठवें नंबर पे अगत तंत्र है वो भी चौथे नंबर पे आ जाता है। रसायन वाजीकरण जो है वो सातवें आठवें नंबर पे ही रहते हैं हमेशा। इस प्रकार से आठ अंग हैं पहला शल्य शालक्य काय चिकित्सा भूत विद्या कुमारवृत्त अगत तंत्र रसायन और वाजीकरण। भागवत में जो आठ अंग हैं वह इसके लिए श्लोक ही सबसे अच्छा होता है काय बा गृहो ऊर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा विषयी। तो ये छोटा सा सूत्र है भागवत का ये भी आपको याद करके रखना है। अब बढ़ते हैं इन आठों अंगों में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो शल्य के लिए कहा है तंत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ठ अस्थि बाल नख पूय श्राव दुष्ट वर्णांत गर्भ शल्योदाहरणार्थ। यानी कि शरीर में से जो फॉरेन पार्टिकल हैं चाहे वो तृण के रूप में हो काष्ठ के रूप में हो लोहे के टुकड़े हो अस्थि बाल नख पूय हो इनको बाहर निकालने के लिए यंत्र एक शस्त्र दो चार तीन अग्नि चार चार चीजों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और व्रण का विनिश्चय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं शल्य तंत्र कहते हैं। तो यहाँ एक ही क्वेश्चन है इसकी परिभाषा में कि यंत्र शस्त्र चार अग्नि प्राणिधान कौन से में के लिए कहा गया है वह शल्य के लिए कहा गया है। दूसरा है शालक्य। शालक्य के लिए कहा है शालक्य के नाम नामो ऊर जत्रु गता नाम। तो जत्रु कहते हैं आपके जो कंधे होते हैं उनको जत्रु कहते हैं। तो जत्रु के ऊपर यानी कंधे के ऊपर जो हमारी गर्दन है सिर है इसमें जो रोग होते हैं जो इंद्रियां स्थापित हैं जैसे
श्रवण यानी कान, नयन यानी जो है आपके नेत्र, बदन यानी मुख, और घ्राण यानी कि जो आपकी इंद्रियों के अधिष्ठान हैं उनमें होने वाली व्याधियों का जिसमें इलाज किया जाता है, और शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह जो है शालक्य तंत्र है। तो इंद्रियां पांच होती हैं, उनके पांच अधिष्ठान होते हैं, इनमें से एक इंद्रिय का वर्णन इसमें नहीं आता है शालक्य में, वो है त्वक इंद्रिय, क्योंकि त्वक इंद्रिय पूरे शरीर में होती है, ऊर्जतुगत, केवल ऊर्जतुगत में नहीं पूरे शरीर में होती है, इसलिए कौन सी इंद्रिय नहीं है शालक्य की परिभाषा में, त्वक इंद्रिय नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं काय चिकित्सा में। काय चिकित्सा नाम सर्वांग स्रैति नाम व्याधि नाम ज्वर रक्त पित्त शोषो उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेहाति अतिसार दी नाम। तो जो अतिसार है चरक निदान के जो चरक निदान स्थान है उसमें जो रोग बताए गए हैं उन आठ रोगों में एक रोग में अंतर है काय चिकित्सा की परिभाषा में, कि यहाँ पर गुल्म की जगह क्या बताया गया है, अतिसार बताया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो काय चिकित्सा की परिभाषा में चरक निदान के जो आठ व्याधियां बताई गई हैं उसमें केवल एक व्याधि में परिवर्तन है, गुल्म की जगह क्या आता है, अतिसार आता है, ये पीजी का क्वेश्चन है। फिर आते हैं भूत विद्या में। भूत विद्या में क्या है, भूत विद्या नाम देव, देव एक, असुर दो, गंधर्व तीन, यक्ष चार, रक्ष पांच, पित्त छः, पिशाच सात, और नाम ग्रह आठ। तो जो ग्रह हैं वो कितने बताते हैं, ये आठ, और इनकी जो चिकित्सा की जाती है शांति गर्म के द्वारा, बलि के द्वारा ग्रहों की जो चिकित्सा की जाती है वह जो है भूत विद्या कहलाती है। तो आठ ग्रह परिभाषा में बताए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा का एक पर्याय बताया गया है, वो है शांति कर्म। तो ये इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा का पर्याय शांति कर्म किसने बताया है, तो सुश्रुत ने बताया है। कौन से अंग की चिकित्सा में बताया है, तो उसका आंसर क्या है, भूत विद्या। इसके बाद बढ़ते हैं कुमार भृत्य में। तो कुमार भृत्य नाम कुमार भरणम, कुमार यानी बालक की बात आ गई। धात्री क्षीर दोष संशोधनादि यानी धात्री की बात आ गई। फिर है दुष्ट स्तन्य ग्रह, फिर ग्रह समुत्थान नाम चा व्याधि नाम उपसार्थम। तो इसमें बालक धात्री और ग्रह रोगों का जो है वर्णन कुमार व्रत में किया जाता है और उनकी चिकित्सा की जाती है। अगध में आते हैं, अगध तंत्र नाम सर्प एक, कीट दो, वृश्चिक चार, मूसिका, वृश्चिक तीन और मूसिका चार, कुल मिला के चार उदाहरण गिनाए गए हैं जीव जंतुओं के, सर्प कीट वृश्चिक मूसिका आदि दृष्ट विष व्यंजनार्थ। तो अगत तंत्र की परिभाषा में कौन से किसका उल्लेख नहीं है, तो लूता नहीं बताई गई परिभाषा में, ये हमें ध्यान रखना है। विविध विष संयोगों उपशमनार्थ, और विविध प्रकार के विष के जो संयोग होता है, गर्भ विष वगैरह है, वह भी अगत में ही आता है। रसायन तंत्र की परिभाषा में क्या है, रसायन तंत्र नाम वायुस्थापन, वायुस्थापन एक है और तीन चीजों को बढ़ाने वाला, आयु मेधा बल कर्म, कुल मिला के चार चीजें रसायन में बताई हैं। कि जो वायुस्थापन है, वायुस्थापन का मतलब है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी वाला है, जिसकी एज यंग है तो यंग ही बना रहेगा, आयु मेधा और बल को बढ़ाने वाला है और रोगों को दूर करने वाला है, वह है रसायन तंत्र। वाजीकरण तंत्र में क्या है, वाजीकरण नाम अल्प, अल्प एक, दुष्ट दो, क्षीण तीन और विशुष्क रेत चार। तो चार प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं, कि अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क जो दोष होते हैं उनके आप्यायन यानी दूर करने के लिए प्रसादो उपचय जनन निमित्त प्रहर्ष जननात चिकित्सा की जाती है। तो आपको याद रखना है, अल्प जो होती है उसकी हमेशा पुष्टि की जाती है, यानी शुक्र अल्प है तो उसकी शुक्र की पुष्टि की जाएगी, दुष्ट का हमेशा शोधन किया जाता है, शुक्र शोधन, क्षीण जो है उसकी हमेशा वृद्धि की जाती है यानी जनन, क्षीण का हमेशा वृद्धि जनन किया जाता है, और जो विशुष्क है उसमें शुक्र उत्पादन करने के लिए प्रहर्ष क्रिया को उत्पन्न किया जाता है, प्रहर्ष जनन किया जाता है, इसका वर्णन वाजीकरण तंत्र में मिलता है। तो इस प्रकार से जो है अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन पहले ही चैप्टर में किया गया है, चरक संहिता में ये अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन जो है वो चरक सूत्र अध्याय 30 में है। तो ये दोनों अंतर है, चरक में 30वें अध्याय में है और सुश्रुत में पहले अध्याय में है। अष्टांग संग्रह पढ़ेंगे तो उसमें भी पहले अध्याय में ही आठ अंग बताए गए हैं, तो तुलनात्मक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया है इसमें, इहम खल्व आयुर्वेद प्रयोजन
व्याधि उपशष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणश्च। तो चरक संहिता में जो परिभाषा आती है 30 चैप्टर में, उसमें पहले आतुर की जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, फिर उसके बाद में आतुर की व्याधि का प्रशमन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन सुश्रुत जो है वो सर्जन है, सर्जरी में सीधा एक्सीडेंटल केस होता है, सर्जरी केस होता है, तो सीधा पेशेंट व्याधि लेके आता है। उसके ठीक होने के बाद, सर्जरी करने के बाद में अपन कहते हैं कि अब आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है ना, ऐसी चीज़ों से बचना जो आपको इन चीज जो आपकी सर्जरी को फैल ना कर दें। तो कुल मिला के जो आयुर्वेद के प्रयोजन दो ही होते हैं, चरक संहिता में जो है प्रयोजन का क्रम अलग है, पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा है, फिर आतुर के व्याधि का प्रशमन होता है, जबकि सुश्रुत सर्जन है, इसलिए इमरजेंसी केस के कारण पहले व्याधि आई है परिभाषा में, कि पहले व्याधि से ग्रसित व्यक्ति का व्याधि को दूर करना, फिर स्वास्थ्य की रक्षा करना। प्रयोजन समान है लेकिन उनके क्रम अलग हैं। सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में आयुर्वेद की निरुक्ति बताई गई है, जबकि चरक संहिता के पहले चैप्टर में आयुर्वेद की परिभाषा बताई गई है। इसमें है आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्वेदन्ति इति आयुर्वेद। फिर आते हैं यहाँ पर शल्यतंत्र की प्रधानता बताई गई है, कि सभी 8 अंगों में शल्यतंत्र प्रधान है। अष्टसपि च आयुर्वेदा तंते देवाधिमतम अभिमतम आसु क्रिया करनाथ। तो 8 अंगों में शल्यतंत्र प्रधान है क्योंकि आंसू क्रिया यानी सर्जरी तुरंत रिजल्ट लेती, व्यक्ति कई दिनों से पीड़ित है और उसकी सर्जरी कर देते हैं तो उससे जैसे उसको असमरी है और सर्जरी कर दी तो असमरी बाहर निकल गई, तो आंसू क्रिया यानी शीघ्रता से क्रिया की जाती है इसमें। दूसरा यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि इनका यूज होता है, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का, ये यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग करने से कई रोग जो हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है सर्वतंत्र सामान्य, सभी तंत्रों में सामान्य है। इसका मतलब यह है कि सर्जरी ना केवल पीड़िया में भी होती है, सर्जरी गायनी में भी होती है यानी स्त्री प्रसूति में भी सर्जरी की जाती है, कुमार व्रत में भी सर्जरी की जाती है, काय चिकित्सा के वो ऐसे रोग जो जैसे आपका काय चिकित्सा में कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें पहले औषधि से ठीक नहीं होते हैं तो बाद में उनमें भी सर्जरी की जाती है। तो सभी तंत्रों में सामान्य है, सभी जो 8 अंग हैं उनमें सर्जरी का प्रावधान है, इसलिए शल्यतंत्र सभी 8 अंगों में प्रधान होते हैं। शल्यतंत्र करने से क्या महत्वता है, तो शाश्वत हमेशा रहने वाली, हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सर्जरी हर युग में की जाती है। पुण्य है, पुण्य की प्राप्ति होती है, हम प्राण बचाते हैं किसी की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यश मिलता है, फेमस हो जाते हैं आप, और आयु की वृद्धि होती है। ऐसे करके 5 शल्यतंत्र के महत्व के बारे में गुण बताए हैं। यहाँ पर शब्द याद रखना है पुण्य, क्योंकि जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं तो आयुर्वेद के लिए पुण्यतम शब्द आया है और यहाँ पर शल्य के लिए क्या शब्द आया है, पुण्य शब्द आया है। फिर इसी चैप्टर में प्रमाण का वर्णन है, तो प्रमाण के बारे में सुश्रुत ने कहा है कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोदेश और उपमान। तो ये उपमान इम्पोर्टेंट है, उपमान जो है उसमें ऊ की मात्रा आती है, जैसे सुश्रुत लिखते हैं तो सुश्रुत में ऊ की मात्रा आती है, वैसे उपमान में ऊ की मात्रा आती है, तो उपमान सुश्रुत का है। जबकि युक्ति प्रमाण हम जानते हैं, युक्ति प्रमाण चरक संहिता में उपमान की जगह कौन सा प्रमाण बताया गया है, युक्ति प्रमाण बताया गया है। फिर आते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद अवतरण के बारे में, तो सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद के अवतरण में सबसे पहले ज्ञान हुआ ब्रह्मा को, ब्रह्मा से मिला दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों से इंद्र, इंद्र से धनमंत्री, तो ये धनमंत्री भगवान को प्राप्त हुआ है सुश्रुत के अनुसार ज्ञान इंद्र से, जबकि चरक में ज्ञान जो है इंद्र से किसको प्राप्त हुआ था, भारद्वाज को हुआ था। चरक संहिता के पहले चैप्टर में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है, सुश्रुत संहिता के भी पहले चैप्टर में आयुर्वेद का अवतरण का वर्णन है, अष्टांग संग्रह के भी पहले चैप्टर में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन है। तो ये समानताएं हैं तीनों संहिताओं में, कि तीनों के ही प्रथम अध्याय में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किया गया है। धनवंतरी जी का परिचय दिया गया है, अहम ही धनवंतरी आदिर देवो जरा रोजा मृत्यु हरणाम, जरा रोजा और मृत्यु को हरण करने आए हैं और किस अंग को लेके आए हैं, वैसे रूप से शल्य अंग को प्रतिपादित करके लेके आए हैं धरती पर। तो धनवंतरी जी का परिचय जो है वो पहले चैप्टर में दिया गया है, जैसे चरक में पहले चैप्टर में आत्रेय का परिचय दिया है, इति भगवान आत्रेयस्मा, वैसे ही सुश्रुत संहिता में पहले चैप्टर में भगवान धनवंतरी का परिचय दिया हुआ है। फिर जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं
तो उसमें पहले चैप्टर में षट पदार्थों का वर्णन है। षट पदार्थों के क्रम में पूरा सूत्र स्थान का पहला अध्याय लिखा जाता है। इसी संदर्भ में सुत्सो संहिता में षट पदार्थ की जगह चतुष्टय बताए गए हैं, यानी चार जो है चीजें होती हैं जिनको चतुष्टय बोला गया है, उसी क्रम में इस चैप्टर को लिखा गया है। तो चतुष्टय में पहला आता है पुरुष, तो सबसे पहले पुरुष के बारे में वर्णन है इस चैप्टर में। अस्मिन् शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय, तो इसमें शरीरी शब्द का क्या अर्थ है वो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता है। इसमें शरीर शब्द का अर्थ है आत्मा, जो शरीर अगर एक शब्द है और उसकी विभक्ति हम यूज करते हैं तो सप्तमी विभक्ति होगी शरीरी, जिसका मतलब होगा शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर क्या होती है आत्मा। तो पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुष उच्यते किसकी परिभाषा है, सुश्रुत की। जबकि चरक की परिभाषा है खा आदि, यानी खा आदि पंच महाभूत और चेष्टा षष्टा धातवा पुरुष स्मृत पुरुष सह स्मृता, छह धातुओं से मिलके क्या बनता है, पुरुष बनता है। फिर आते हैं लोक और पुरुष में समानता होती है, जो संसार में होता है वही जो है पुरुष में होता है, लोक पुरुष साम कहते हैं। तो लोक के भेद बताए गए हैं इसी चैप्टर में, लोको ही द्विविध, यानी संसार दो प्रकार का है, एक तो स्थावर चीजों से बना हुआ, एक जंगम पेड़ पौधे और जंतु। इसी प्रकार से इसका दोबारा और वर्गीकरण किया जा सकता है कि सौम्य और आग्नेय, 6 महीने अपने आदान काल चलता है लोक में, और 6 महीने जो है विसर्ग काल यानी सौम्य काल चलता है। तो दो टाइप से लोक को बताया गया है, एक जो अपने ऋतुओं के हिसाब से आग्नेय और सौम्य, और दूसरा लोक में जो विचरण करते हैं, जो रहते हैं स्थावर और जंगम वस्तुएं। तो द्विविधम संस्कृत में आता है, तो हमेशा संख्यावाची क्वेश्चन बनते हैं कि लोक के कितने भेद बताए हैं सुश्रुत संहिता में। तो दो दो प्रकार से वर्णन है, एक बार स्थावर जंगम से और फिर पुनः एक बार आग्नेय और सौम्य भेद से बताए गए हैं। तो ये हो गया पुरुष। पुरुष के बाद में व्याधि का परिचय दिया गया है इस चैप्टर में। तो व्याधि के लिए कहा गया है तत् दुख संयोगा व्याधवा उच्यन्ते। तो व्याधि की परिभाषा जो है सबसे पहले पहले ही चैप्टर में सुश्रुत में दी गई है, जबकि चरक संहिता में पहली बार व्याधि की परिभाषा जो है वो खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय सूत्र स्थान का जो 9वां अध्याय होता है उसमें सबसे पहले व्याधि की परिभाषा वर्णित की गई है। व्याधि के आश्रय होते हैं शरीर और मन, ये तो चरक के पहले चैप्टर में बताए गए हैं, व्याधि के आश्रय शरीर मन होते हैं। व्याधि के चार भेद बताए हैं, शारीरिक आगंतुक मानसिक और स्वाभाविक। तो यहाँ याद रखना है कि व्याधि के भेद चरक में कितने हैं। तो पहले तो चरक व्याधि यानी रोग के भेद दो प्रकार के करते हैं, एक साध्य रोग होते हैं और एक असाध्य रोग होते हैं। फिर साध्य के दो भेद हो जाते हैं सुख साध्य और कच्छ साध्य, और असाध्य के दो भेद हो जाते हैं याप और अनुक्रमय। तो व्याधि के भेद जो है वो सुश्रुत संहिता में कितने हैं, चार, संख्यावाची क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, पहले चैप्टर में बताए हैं। अब व्याधि की चिकित्सा, जैसे चरक कहते हैं कि व्याधि की चिकित्सा कैसे करते हैं, वो षट पदार्थ से करते हैं। यहाँ पर इनने व्याधि से की चिकित्सा करने के लिए निग्रह हेतु बताए हैं, जो कि चार होते हैं, संशोधन संसमन आहार आचारा सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतु। तो निग्रह हेतु कितने होते हैं एग्जाम में आता है, उसका आंसर है चार, यानी कि व्याधि से कैसे निग्रह यानी बच सकते हैं। तो संशोधन के माध्यम से, संसमन चिकित्सा के माध्यम से, आहार अच्छा कर लें अपन, और आचार। तो यहाँ आहार के बाद विहार नहीं है, क्या है, आचार है, ये ध्यान रखना है अपन को। यही चार ऑप्शन बना के एग्जाम में पूछा जाता है कि निग्रह हेतु में से क्या शामिल नहीं है, तो संशोधन है, संसमन है, आहार है और आचार होता है, ये ध्यान रखना है, ये चारों, संशोधन संसमन आहार और आचार। फिर इसी चैप्टर में कहा गया है प्राणी नाम पुनर्मूलो आहारो बलवर्ण वर्ण वर्ण ओजसा, यानी प्राणियों के बलवर्ण और ओज का मूल क्या है, आहार है। तो यहाँ चूंकि इसमें निग्रह हेतु में आहार का वर्णन किया है, तो आहार कितना इम्पोर्टेंट है वो पहले ही इसी पहले ही चैप्टर में बता दिया है कि प्राणियों के बल वर्ण और ओज का मूल क्या है, आहार होता है। फिर आते हैं औषध के बारे में, कहा है औषध से पहले सबसे पहले उन्हें कहा है सटेसु रस, यानी रसों की संख्या कितनी होती है, 6। तो अगर आपने चरक संहिता पढ़ी है तो उसके सूत्र स्थान में पहले ही चैप्टर में रसों की संख्या बताई गई है कि उनकी संख्या कितनी होती है, 6। रसा पुनः द्रव्य आश्रया, रस द्रव्य के द्रव आश्रित होते हैं, द्रव्याणी पुनः औषध है, द्रव्य जो है औषध होते हैं। औषध के भेद दो बताए हैं, स्थावर और जंगम।
चरक में भी डिवीजन है स्थावर और जंगम उद्भिज करके। स्थावर पुनः चार प्रकार की होती हैं, स्थावर चतुर्विधा, वनस्पतियों, वृक्षा, विरुद्ध और औषधिया। वनस्पति क्या होते हैं? तो यह वनस्पति ही लिखा है चरक संहिता में, इसमें वनस्पति लिखा रहता है। यहाँ पर वनस्पति का बहुवचन लिखा है, जैसे आप पति के रूप पढ़ते हैं संस्कृत में तो वो होते हैं पति पत्यो पत्या, पति पत्यो पत्या। तो यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में लिखा है पति वनस्पति। तो आप पुष्पा फलवंतो वनस्पत्या, यानी जिसमें पुष्प नहीं आते हैं सीधे फल लगते हैं वो है वनस्पति। वृक्ष में कहा है पुष्पा फलवंतो वृक्षा, तो ये संज्ञा इंपोर्टेंट है चरक संहिता में, इसमें वानस्पत बोला जाता है, उसके यहाँ पर क्या बोला है वृक्ष। विरुद्ध कहा है प्रतान स्तिम्भित्या विरुदा, यानी लता और प्रतान जिसमें होते हैं वो विरुद्ध होता है। औषध के बारे में लिखा है फल पाक निष्ठा औषधा, यानी जिसमें फल पकने पर पौधा नष्ट हो जाता है वह औषध कहलाती है। जैसे गेहूं हम बोते हैं तो वह गर्मियों में जब पक जाता है तो गेहूं की बालियां जो है पीली पड़ जाती हैं, उसको अपन काट लेते हैं, उसमें से गेहूं मशीन से निकाल लेते हैं। तो गेहूं जो है हमारा गोधूम किसका उदाहरण है? औषधि का उदाहरण है, क्योंकि उसमें फल पकने पर पौधा जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर आते हैं जांगम में, जांगम के भी चार भेद होते हैं, जांगम खलवापी चतुर्विधा, जरायुज अंडज स्वेदज औद्भिज, यानी कि जो जांगम है वो भी चार प्रकार का होता है। तो संख्यावाची क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, व्याधि चार प्रकार की होती है, लोग दो प्रकार के होते हैं, औषधियां दो प्रकार के होते हैं, स्थावर चार प्रकार के होते हैं, जांगम चार प्रकार के होते हैं। तो जहां संस्कृत में चतुर्विधा या चतुर ऐसा लिखा रहता है वहां पर संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चार प्रकार के होते हैं जांगम, जरायुज यानी जरायु प्लेसेंटा को कहते हैं, जो प्लेसेंटा से जन्म लेते हैं, जैसे जो है मनुष्य पशु अंडों से पैदा होने वाले होते हैं, पक्षी और सर्प। श्वेत पसीने से पैदा होने वाले होते हैं, कृमि कीट और पिपीलिका, कृमि कीट और पिपीलिका। और जो भूमि को फोड़ के बाहर आते हैं वो होते हैं औद्भिज, उसमें आता है इंद्रगोप और मंडुक, वीर बहुटी कहते हैं इंद्रगोप और मंडुक, ये औद्भिज के उदाहरण है। एग्जाम में औद्भिज का उदाहरण क्या है वो पूछा जाता है। फिर बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, चतुर्विध वर्ग बताए गए हैं। तो चतुर्विध वर्ग में चार वर्ग हैं। अब ये चूंकि शब्द के आगे यहां पर क्या जुड़ गया है, चतुर्विध के आगे वर्ग, तो ये वर्ग सुनते ही अपने को याद आना चाहिए कि वर्ग हम कहाँ पढ़ते हैं। तो द्रवगुण में पढ़ते हैं 14 वर्ग, 13 वर्ग, हर निघंटु में अलग अलग वर्ग बताए हैं। तो द्रवगुण के ही चीजें होती हैं स्थावर और जंगम। और फिर रसास्त्र में पढ़ते हैं सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, औषधि वर्ग, रत्न वर्ग, उपरत्न वर्ग। तो रसास्त्र में क्या आ जाती हैं? पार्थिव चीजें। ऐसा करके वर्ग में स्थावर जंगम पार्थिव और कालकत औषधियों का वर्णन है। स्थावर के 8 प्रजंग बताए हैं, स्थावरेभ्य त्वक्पत्र पुष्प मूल कंद निर्यास स्वरस दया प्रयोजबंधा। तो यहाँ पर स्थावर जो होते हैं उनके कितने प्रजंग बताए हैं? 8। संख्यावाची क्वेश्चन है। जबकि चरक संहिता में औद्भिज द्रव्यों के प्रजंग बताए गए हैं वो कितने हैं? 18। और जांगम के जो प्रजंग बताए हैं 19। ये पूछे नहीं जाते हैं, मैंने नोट्स में लिख रखे हैं शुरू से, तो चले आ रहे हैं, क्योंकि संस्कृत के श्लोक में ये संख्या नहीं बताई गई है, ये ज्ञानवर्धन करने के लिए केवल। अब आते हैं जांगम। जांगम में आते हैं जो जैसे किसी की त्वचा यूज होती है, नाखून यूज होते हैं, बाल, रक्त वगैरह, ये जांगम में आते हैं। पार्थिव चीजों में आते हैं स्वर्ण, रजत, लोह, मणि, सुधा, सिक्ता, मनासिला। मनासिला के अलावा चरक संहिता में हड़ताल भी लिखा रहता है पहले चैप्टर में, लवण आदि। तो ये मुक्ता शब्द चरक में नहीं है, मुक्ता की जगह आप पढ़ेंगे तो हड़ताल उसमें है, सुधा है, सिक्ता है, ये सब बाकी एज इट इज जैसा चरक में लिखा है वैसे ही सुश्रुत में। मुक्ता एक शब्द थोड़ा अलग मिल रहा है दोनों से। कालकृत औषधियों में आता है वायु का अति संचार, अगर आपको गर्मी लग रही है तो हवा पंखा चलाने को कहते हैं, अगर आपको ठंड लग रही है तो वायु रहित प्रदेश में रहने के लिए बोलते हैं। धूप जो है, या फंगस अगर किसी को स्किन में हो रहा है तो धूप सेवन करने के लिए बोलते हैं। छाया जहाँ पर क्लीनता है वहाँ छाया है। इसके अलावा चांदनी रात, अंधेरा, उन्माद की चिकित्सा में अंधेरे कमरे में रखने के लिए बोला गया है। जो आग्नेय ज्वर है उसमें शीतोपचार करते हैं, जो सौम्य ज्वर है उसमें उष्णोपचार करते हैं। दिन रात पक्ष मास ये भी औषधि का काम करते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद में ये बोला जाता है कि 1 महीने बाद आप नॉर्मल हो पाएंगे, 2 महीने बाद नॉर्मल हो पाएंगे,
तो कई कई जगह कई परिस्थितियों में टाइम भी औषधि का काम करता है। इसलिए कालकृत औषधियों में ये जो काल के भेद होते हैं, दिन रात पक्ष मास ऋतुएं, इनका उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर चतुर्वर्ग में क्या की गई है, सजावट की गई। तो सा जा सजाया गया किसको, पृथ्वी को, है ना, सजाया पृथ्वी को, सजाया पृथ्वी को, सजाया पृथ्वी को। तो चतुर्विध वर्ग में आते हैं, सजाया पृथ्वी को, सजाया पृथ्वी को, ऐसा करके यहाँ पर आप लिख लेंगे, सजाया पृथ्वी को, सजाया पृथ्वी को। फिर आते हैं चतुष्टय। तो जैसा मैंने कहा था, ये पूरा चैप्टर ही चतुष्टय के लिए लिखा गया है। इस चैप्टर के शुरुआत में हमने पुरुष के बारे में पढ़ा कि पुरुष पुरुष जो है पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर बनता है। व्याधि की परिभाषा पढ़ी, व्याधि के चार प्रकार पढ़े, औषधि के बारे में पढ़ा, औषधि के दो भेद पढ़े, लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रियाकाल। तो चतुष्टय में आते हैं पुरुष व्याधि औषधि क्रियाकाल। याद रखने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे अपन, पुरुष व्याधि पर औषधि क्रिया, पुरुष व्याधि पर औषधि क्रिया। चतुष्टय में आते हैं पुरुष व्याधि में औषधि क्रिया। पुरुष तो हमने ग्रहण कर लिया है, द्रव का समूह है, जैसे चरक में सोदस का समुदाय बोला है, यहाँ पर लिखा है तत्संभव द्रव समूह, द्रव का समूह है पुरुष। व्याधि की लिखा है जो बात पित्त कफ रक्त, तो यहाँ बात पित्त कफ के साथ सोणित शब्द आया है, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि रक्त को भी दोष मानते हैं सुसुत। औषधि में औषधि वह है जो उसमें द्रव्य रस गुण वीर विपाक इनके आधार पर जो कार्य करती है, तो द्रव गुण वीर विपाक है ना से युक्त होती है औषधि। क्रियाकाल में उनने बताया है क्रिया घृणाद छेदनादि, तो छेदन यानी शल्य क्रिया बताई है, और स्नेह स्नेह आदि च कर्माणि, यानी कि जो काय चिकित्सा के जो जो क्रियाएं होती हैं वो भी बताई है। तो क्रियाकाल में शल्य और काय चिकित्सा दोनों के बारे में उल्लेख किया हुआ है। तो ये चतुष्टय के रूप में पहला चैप्टर लिखा गया है, वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह था सुश्रुत संहिता का पहला चैप्टर। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।